दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आज जो ये वीडियो जो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम को लेकर काफी लोगों ने एक भ्रांति फैला दिया, डर उत्पन्न कर दिया। काफी जो चयनित अभ्यर्थी जो दूर दराज रहते हैं उनमें डर उत्पन्न है, लेकिन उन लोगों के लिए इसके अलावा जो व्याख्याता भर्ती को लेकर जो विवाद चल रहा है, काफी लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, इन दो अहम मुद्दों को लेकर मैं अभी आपके बीच में आया हूँ। इसके अलावा और तमाम मुद्दे बेरोजगारों को, चाहे एलडीसी हो, पिकअप लिस्ट हो, चाहे विद्यार्थी हो, उन तमाम के लिए अलग से मैं जैसे ही अभी मंत्रियों से मेरी बात को अलग से समय दिया जाएगा, तो उनके प्रतिनिधिमंडल को जो जिस भर्ती से संबंधित होगा उनसे मैं मंत्रियों से आपके समस्याओं का निवारण करवाने के लिए आपकी वार्ता कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जो अभी जो सबसे बड़ा विवाद रीट भर्ती लेवल प्रथम को लेकर है, इसमें अभी कल एक वो ऑडियो आया था कि वो खुली चुनौती दे रहा था, लेकिन उनपे मैं ना जाते इतना कहूंगा चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग इस भर्ती को लेट कराना चाहते हैं कि सरकार साथ नहीं दे रही, मैं स्पष्ट कह देता हूं सरकार को साथ आना होगा। जिस प्रकार आज भी व्याख्याता भर्ती और रीट लेवल वन के भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिलने वाले हैं, इस संबंध में जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से पहले वार्ता हो चुकी है, मैं दिल्ली जाके मिला, यहाँ मिला, और सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री जी निर्देश के बाद मुझे वार्ता के लिए शिक्षा मंत्री ने 7:30 बजे सुबह बुलाया। वो करीब 20 से 25 मिनट हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो चयनित अभ्यर्थियों के हित में हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर बातें नहीं बता दी जाती, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो लोग चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ जो लोग गए हुए थे कि वो कह रहे थे कि ये भर्ती फर्जी है, गलत है, उन लोगों ने पूरी ताकत लगाई है इस भर्ती को फर्जी साबित करने की कोशिश की, उन लोगों ने पूरी ताकत अभी भी लगा रखी है, लेकिन दोस्तों सच्चाई को कोई नहीं हरा सकता। वो जहां जा रहे हैं उनकी हर चाल को हम नाकामयाब कर चुके हैं, बस आप लोगों को संयम बना के रखना होगा। एजी का आपने देखा होगा एडवोकेट जनरल बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा आर्ग्यूमेंट तैयार कर दिए गए हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में आर्ग्यूमेंट भी जमा हो जाएंगे। इसके अलावा दिनेश द्विवेदी जी की फाइल कंप्लीट हो चुकी है, शिक्षा मंत्री जी के पास हो चुकी है, और वही मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल मिलना बाकी है, वो भी मिल जाएगी, उस संबंध में भी कल मेरी बात हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं कि 9 तारीख को क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार कल बेंच से जो रोस्टर आया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे अच्छी बात रही है कि मोहम्मद रफीक जी जो जस्टिस साहब हैं, उनकी बेंच में हमारी सुनवाई होने की पूरी 100% संभावना है। इसके अलावा चीफ जस्टिस नांद्र जोगी माननीय, वो 2 या 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनकी जगह नए जज आएंगे, तो वो जज शायद 9 तारीख के बाद यदि ज्वाइन करते हैं, 9 से पहले करते, तो कहीं ना कहीं हमारी संभावना है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो अलग जो हमारे मुख्य चीफ जस्टिस आएंगे तो वो सुनवाई शायद नहीं कर पाए, क्योंकि इस सुनवाई में पहले से रफीक मोहम्मद जी जो जस्टिस साहब को देख रहे हैं, तो हमारी सुनवाई रफीक मोहम्मद साहब जी करेंगे जो छात्र हित में अभी तक फैसले देते आए, ये रीट लेवल प्रथम के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ऑडियो डालकर कह रहे हैं कि हम तारीख लेंगे, बढ़ाएंगे, उसके लिए भी हमारी तैयारी, क्योंकि हमारे एडवोकेट वहां बात रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें सबसे पहले हमें सरकार को मजबूत करना है कि वो हमारे साथ आए, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट आए, हमारे एडवोकेट मजबूत रहे, तो वो तैयारी पूरी हो चुकी है। ये तमाम जिलों के वो प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं, ये वो मौजूद हैं कि ये लोग आज हमारी इस मीटिंग में आए कि आगे की रणनीति तय की जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चीफ जस्टिस से लेकर आर्ग्यूमेंट की आपको मैंने बात बता दी, क्योंकि कल का ऑडियो आने के बाद लोग टेंशन में थे, चिंतित थे कि शिक्षा मंत्री जी ने भी ये कहा और ये हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है, वो चिंता ना करें, घबराए नहीं, सरकार हमारे साथ होगी, सरकार भी साथ होगी, हमारा एडवोकेट भी साथ होगा, केस भी हम जीतेंगे। थोड़ा सा समय हमें वेट करना पड़ेगा कि 9 तारीख अब थोड़ी दूर है, यदि दोस्तों विपक्ष इसमें उलझन पैदा नहीं करता, उन लोगों की मानसिकता रहेगी कि तारीख लेने की, लेकिन हमारे एडवोकेट उसकी उसके खिलाफ यानी कि आवाज उठाएंगे कि ये तो बार बार ऐसे कर, लेकिन दोस्तों यदि बहस होती है, रिटर्न में आर्गुमेंट मांगे गए हैं, रिटर्न में आर्गुमेंट लेने के बाद ज्यादा बहस नहीं होती है, फैसला सुरक्षित होता है, और जो इस बेंच की सबसे बड़ी खासियत है, फैसला सुरक्षित होने के बाद 5 या 7 दिन बाद ही उनका फैसला आ जाता है, जिस प्रकार साइंस ने दिखाया। तो दोस्तों पूरी संभावना है कि 9 तारीख को फैसला सुरक्षित हो सकता है, यदि बहस होती है तो, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार नहीं है, सरकार साथ आ रही है, हमारे एडवोकेट है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता इतनी मर चुकी है, उनको पता है कि हम हारने वाले हैं, एक एक पीठ में आ रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि हम आगे की तारीख ले, और वो हमें लटकाने लगे उनकी मानसिकता, लेकिन उनकी मानसिकता विफल होगी यदि
वो उनको ये कहना चाहेंगे कि आप कोर्ट का सम्मान करें, अपनी बात रखें, अपना दम लगाना है तो कोर्ट में लगाए, हमारे एडवोकेट भी है, लेकिन किसी भर्ती को आगे बढ़ाकर आपको क्या मिलेगी, बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग नोटरी को इंतजार कीजिए दोस्तों, बेंच यही रहने की पूरी संभावना है। चीफ जस्टिस जी 2 या 3 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस जी आ रहे हैं, वो कब ज्वाइन करेंगे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये भर्ती के 26,000 चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो जिलों के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया है और बुलाकर एक हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस रणनीति के तहत उनको हर चीज बतानी होगी, क्योंकि इन लोगों से वो लोग पूछते कि क्या हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाल रहा हूँ कुछ दिन से मैं नहीं डाल पा रहा था, कल भी मैसेज आ रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि वो 4 मिनट 61 सेकंड का ऑडियो आने के बाद लोग चिंतित है, परेशान है, तो ये वीडियो डालना मैंने उचित समझा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर अब तक मैसेज दे रहा हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार शत प्रतिशत साथ है, मुझे विश्वास है शत प्रतिशत। जिस प्रकार सचिन पायलट जी ने मुझे दिल्ली बुलाया, मेरी बात हुई, घर पे बात हुई, शिक्षा मंत्री जी मोदी ने समय दिया और मुख्यमंत्री जी ने, तो इस चीज से आपको घबराने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदि 9 तारीख को कुछ नहीं होता तो दोस्तों मैं आपको और कह देता हूँ, मेरा वादा है यदि 9 तारीख को यदि सरकार लापरवाही करती है, धोखा करती है, तो सबसे पहले उपेंद्र यादव विरोध में उतरेगा, क्योंकि अब 26,000 भर्तियों के अभ्यर्थियों के लिए मेरे भी इज्जत का सवाल जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार से ज्यादा मुझे 26,000 जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य का सवाल है मैं। लेकिन ऐसी नौबत किसी भी हालत में नहीं आएगी, और 9 तारीख को भगवान ने चाहा सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आने के बाद फैसला हो गया, इन लोगों ने विपक्ष वालों ने टांग नहीं अड़ाई, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा और फैसला अपने हित में होगा और 26,000 लोग जल्द से जल्द स्कूलों में जाएंगे। इसलिए ये वीडियो मैं पुनः बता दूं, वो ऑडियो के बाद काफी लोग चिंतित थे, मेरी अलवर में सतीश कुमार से बात हुई कि दोस्त मैं तो आत्महत्या कर रहा था, मेरी वाइफ आएगी इसलिए से मैं बच गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है, डट कर सामना करना, संघर्ष करना, हमने लगातार 6 से 7 महीने संघर्ष किया, कुछ समय का संघर्ष बचा है, कुछ समय और इंतजार करो, उसका फल आप लोगों को मिलेगा, मरने से कुछ नहीं होगा, हमें डट कर सामना करना होगा और जिन लोगों ने प्रत्याशी बुलाया उनको जवाब देना होगा। इसलिए दोस्तों इस ये रीड लेवल उनके लिए था, व्याख्या भर्ती के लिए मैं बता दूं, अभी शिक्षा मंत्री जी की मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है, संभावना यही बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले एग्जाम कराने की, क्योंकि अभी आरपीएससी के अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई थी, रिपोर्ट में ये मांगा गया था कि क्या फरवरी मार्च में उनके पास कैलेंडर में खाली जगह है, क्या वो एग्जाम करा सकते हैं क्या, अन्यथा वो यथावत रह सकती है। अब देखने की बात है कि काफी लोग लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं, अब सरकार क्या निर्णय लेती है, फरवरी में एग्जाम करवाती है या मार्च के फर्स्ट वीक में करवाती है, सेकंड वीक में तो आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में जो अनुमान लगा सकते हैं कि फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो सकती है। इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, मैं खुद उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक आपकी बात पूछाई है, उन्होंने ये कहा कि हम कुछ आप लोगों को राहत देंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, तो दोस्तों आज या कल में रास्ता निकल सकता है, उसके बाद आज शिक्षा संकुल में रीट मामले में रिपोर्ट शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को सौंप दी है, शिक्षा विभाग से उन्होंने रिपोर्ट मांगी, 20 पन्नों की वो रिपोर्ट दी गई, 20 पन्नों की मैं आपको बता दूं, क्योंकि 20 पन्नों की स्थिति मैंने चिंते में पढ़ी है, क्योंकि रिपोर्ट मांगी, काफी लोगों ने ये दूसरे विपक्ष पक्ष ने कहा कि भर्ती फर्जी है, इसमें दान ली हुई है, इन्होंने अपने लोगों को लगाया है, तो वो रिपोर्ट अधिकारी से मांगी, वास्तव में इसमें दान ली हुई है क्या, रिपोर्ट पॉजिटिव गई है कि भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है, भर्ती सही तरीके से हुई है, मेरिट से बनी है, वो रिपोर्ट शिक्षा मंत्री के पास पहुंची है, शिक्षा मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आज ही जो व्याख्याता के मामले मीटिंग है, 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा, संभावना है फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों के मामले में मैं जल्दी आपको सूचित करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उन लोगों तक पूछे कि रीट में क्या चल रहा है और व्याख्याता भर्ती में क्या चल रहा है। धन्यवाद।